Hello friends, today we discuss about general heat conduction equation in spherical coordinate system. As shown in figure, in spherical coordinate system, total elemental volume is dr into rd theta into r sin theta into d phi. So total elemental volume for spherical coordinate system is dr into rd theta into r sin theta into d phi. First we define terms. K means thermal conductivity, rho means density, C means specific heat, Qg means heat generation per unit volume per unit time, Q means heat flow in that direction, and Q dash means total heat flow in time d tau. I repeat terms. K means thermal conductivity, rho means density, C means specific heat, Qg means heat generation per unit volume per unit time in the element, and Q means heat flow in that direction, and Q dash means total heat flow in time d tau. So we write in place of Q dash is equal to Q into d tau. So basically is theory mein hum kya karenge, three direction mein heat supply karenge. For example, yahan par hum r direction mein heat supply kar rahe hai. So heat input kitni ho rahi hai, qr jitni. हीट आउट कितनी हो रही है, क्यू आर प्लस डी आर जितनी. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डी आर उसमें क्या होगा, चेंज होगा. सिमिलरली हम फाइ डायरेक्शन में हीट सप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल, फाइ डायरेक्शन में हीट इनपुट हो रही है क्यू फाइ जितनी और आउट हो रही है क्यू फाइ प्लस डी फाइ जितनी. मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डी फाइ उसमें क्या होगा, चेंज होगा जितनी हमने इनपुट की थी. सिमिलरली हम थीटा डायरेक्शन में हीट इनपुट करेंगे. सो थीटा डायरेक्शन में हम कितने हीट इनपुट करेंगे, क्यू थीटा. सो हीट इनपुट हो रही है क्यू थीटा और आउट हो रही है क्यू थीटा प्लस डी थीटा. सो विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा उसमें क्या होगा, चेंज होगा. सो अगर हमने यहाँ पर आर डायरेक्शन में 5 जूल जितनी हीट इनपुट की और यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू डी आर उसमें चेंज होगा और फॉर एग्जाम्पल आउट हो रही है 3 जूल जितनी. सो टोटल चेंज कितना हुआ, 2 जूल. मीन्स 2 जूल जितनी एनर्जी एलिमेंट के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी. मीन्स एलिमेंट के अंदर इतनी हीट क्या होगी, एक्यूमुलेटेड होगी. सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का, वो फर्स्ट पार्ट है नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. सो हमें उसमें कितनी डायरेक्शन कंसिडर करनी है, तीन डायरेक्शन, आर डायरेक्शन, फाइ डायरेक्शन एंड थीटा डायरेक्शन. सो टोटल कितनी हीट एक्यूमुलेटेड होगी, तो उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, यूज फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. और फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, क्यू इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स. सो बिकॉज ऑफ कंडक्शन इतनी हीट क्या होगी, एक्यूमुलेटेड होगी. एक डायरेक्शन के लिए कि अगर हमने क्यू आर जितनी इनपुट की, फॉर एग्जाम्पल 5 जूल जितनी इनपुट की और 3 जूल जितनी आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स 2 जूल जितनी एनर्जी क्या होगी, एक्यूमुलेटेड होगी. सिमिलरली एलिमेंट के अंदर भी हीट जनरेट होगी. सो हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल वो कितनी हीट एलिमेंट के अंदर जनरेट हो रही है, क्यू जी जितनी हीट जनरेट हो रही है. सो क्यू जी जितनी हीट जनरेट होगी और हमारा एलिमेंटल वॉल्यूम क्या है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई. सो टोटल कंडक्शन प्लस हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट, सो टोटल इतनी हीट जनरेट होगी. सो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या हुआ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी. ए का मीनिंग क्या हुआ, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. और उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, यूज फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. सो Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स. बी मीन्स हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट, कितनी हीट जनरेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल क्यू जी जितनी. और थर्ड पार्ट है C, मीन्स ये दोनों मिलाकर इतनी हीट क्या होगी, स्टोर होगी. सो C इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन द एलिमेंट. और ए प्लस बी कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेंगे, थर्मल एनर्जी. सो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. सो इन अवर थियरी फर्स्ट स्टेप इज मेक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. सो देन वी फाइंड फर्स्ट पार्ट ए. सो ए पार्ट क्या था, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन. सो फर्स्ट हम कौन सी डायरेक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू डैश फाई. सो उसके लिए हमें कौन सा रूल यूज करना है, फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. सो फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या था, माइनस के डी टी बाई डी एक्स.
और अगर हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मींस हमें एरिया, कौन सा एरिया कंसिडर करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करना है। सो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं क्यूडेस फाइ, सो माइनस के, यहाँ पर हम तीनों डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे। सो माइनस के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा लेना है, अगर हमने एलिमेंटल वॉल्यूम लिख दिया है डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, सो हम इनपुट कौन सी डायरेक्शन में हीट इनपुट कर रहे हैं, फाई डायरेक्शन। सो विदाउट फाई हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मीन्स डी आर इंटू आर डी थीटा। सो अगर हम फाई डायरेक्शन में हीट इनपुट कर रहे हैं, सो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, डी आर इंटू आर डी थीटा। सो हम यहाँ पर एक ही जगह पर क्या लिखेंगे, डी आर इंटू आर डी थीटा, यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे डेल्टा टी, कौन सी डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, फाई डायरेक्शन, सो डेल्टा टी बाई डेल्टा फाई। सो टोटल फाई डायरेक्शन के लिए क्या था, आर साइन थीटा डी फाई, सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर साइन थीटा। सो डेल्टा टी आर साइन थीटा डेल्टा फाई। सो ए हमारा कौन सा पार्ट हो गया, क्यू पार्ट। क्यूडेस का मीनिंग क्या था, टोटल हीट फ्लो इन टाइम डी टाउ। सो यहाँ पर हम इनटू क्या करेंगे, डी टाउ। सो इतनी हीट इनपुट की फाई डायरेक्शन में। अब आउट कितनी हो रही है, सो क्यूडेस फाई प्लस डी फाई जितनी आउट हो रही है। सो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी इनपुट की थी। सो हमने हीट इनपुट कितनी की थी, क्यूडेस फाई जितनी, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा। सो प्लस डेल बाय, यहाँ पर डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, फाई डायरेक्शन, सो डेल बाय डेल फाई। टोटल एलिमेंट क्या था, वो आर साइन थीटा, सो आर साइन थीटा डेल्टा फाई। किस में चेंज होगा, अगर हमने 5 जूल जितनी इनपुट की है तो 5 जूल में ही चेंज होगा, सो क्यू डेस फाई, सो उसमें चेंज होगा। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, मीन्स आर साइन थीटा इंटू डी फाई। सो ए क्वेश्चन कैसा फॉर्म हुआ, फर्स्ट क्यूडेस फाइव प्लस डी फाइव का मीनिंग क्या है कि कितनी हीट आउट हो रही है, सो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी हीट इनपुट की थी, फॉर एग्जाम्पल 5 जूल जितनी इनपुट की थी, तो यहाँ पर फर्स्ट हमें 5 जूल लिखना है, मीन्स क्यूडेस फाइव प्लस उसमें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मीन्स कौन सी डायरेक्शन में हम फाइंड कर रहे हैं, फाइव डायरेक्शन में, सो डेल बाई डेल फाइव। टोटल क्या था, आर साइन थीटा डेल फाइव, किसमें चेंज होगा, सो क्यूडेस फाइव में, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो आर साइन थीटा डी फाइव। सो अगर हमने यहाँ पर 5 जूल जितनी इनपुट की, 3 जूल जितनी आउट हो रहे हैं, तो टोटल स्टोर कितनी हुई, 2 जूल जितनी, कैसे पता चला, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो सिमिलरली हमने क्यूडेस 5 जितनी इनपुट की थी, अगर क्यूडेस 5 प्लस डी 5 जितनी आउट हो रही है, तो एलिमेंट के अंदर स्टोर कितनी हुई, एक्यूमुलेटेड कितनी हुई, क्यूडेस 5 माइनस क्यूडेस 5 प्लस डी 5। फर्स्ट पुट द वैल्यू, सो क्यूडेस 5 एज इट इज माइनस क्यूडेस 5 की वैल्यू क्या है, क्यूडेस 5 प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई क्यूडेस फाई आर साइन थीटा डी फाई। सो क्यूडेस फाई कैंसल आउट, सो -1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई माइनस के डी आर आर डी थीटा 1 बाय आर साइन थीटा डेल्टा टी बाय डेल्टा फाई इंटू डी टाउ इंटू आर साइन थीटा डी फाई। फर्स्ट हमने जो एलिमेंटल वॉल्यूम बनाया था, एलिमेंटल वॉल्यूम क्या था हमारा, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। सो हम एक साथ लिख लेंगे डी आर आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई, उसको हमने साथ में लिख लिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो के डी आर आर डी थीटा आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई 1 अपॉन आर साइन थीटा, यहाँ पर 1 अपॉन आर साइन थीटा था, तो टोटल क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर डेल बाई डेल फाई था, यहाँ पर डेल टी बाई डेल फाई था, तो टोटल क्या हो गया, डेल स्क्वायर टी बाई डेल्टा फाई स्क्वायर इंटू डी टाउ। सो ए हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि हमने फाइव डायरेक्शन में इतनी हीट एक्यूमुलेटेड होगी। सिमिलरली हमें कौन सी डायरेक्शन के लिए फाइंड करना है, आर डायरेक्शन के लिए। तो सिमिलरली हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वो रूल क्या था, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। सो एरिया क्या होगा अगर हम आर डायरेक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो आर को हम विदाउट आर हमारा एरिया होगा, सो आर को हम विदाउट आर क्या होगा, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव। सो अगर हम आर डायरेक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव। सो हम यहाँ पर एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे,
एरिया की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। सो ए हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया डी टी बाई डी एक्स। सो यहाँ पर हमने डायरेक्शन क्या लिए है, आर। सो डेल्टा टी बाई डेल्टा आर, और क्यूडेस का मीनिंग क्या है, क्यू इंटू डी टाउ। सो यहाँ पर क्या होगा, इंटू डी टाउ मीन्स ओके। सो इतनी हीट हमने इनपुट की आर डायरेक्शन में। अगेन आउट कितनी हो रही है, क्यूडेस आर प्लस डी आर मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, उसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज किस में होगा, जितनी हमने इनपुट की थी मीन्स इनपुट कितनी की थी, क्यूडेस आर जितनी, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा मीन्स डेल बाय डेल आर किस में चेंज होगा, जितनी हमने इनपुट की थी मीन्स क्यूडेस आर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इंटू डी आर। सो इतनी हीट क्या होगी, आउट होगी। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड क्या होगी, क्यूडेस आर माइनस क्यूडेस आर प्लस डी आर। अगर हमने 5 जूल जितनी इनपुट की थी, 3 जूल जितनी बाहर आ रही है, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 जितनी स्टोर होगी। सो क्यूडेस आर माइनस क्यूडेस आर प्लस डी आर, अगेन सेम प्रोसीजर, आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। सो आपको इक्वेशन होगा के डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल्टा टी बाय डेल्टा आर इंटू डी टाउ। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट कौन सा, सो लास्ट डायरेक्शन है थीटा डायरेक्शन। अगर हम हीट इनपुट कर रहे हैं क्यूडेस थीटा, दैट मींस हमें कौन सा रूल यूज करना है, यूज फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सो माइनस के डी टी बाई डी एक्स, सो माइनस के। अगर हम थीटा डायरेक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो विदाउट थीटा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सो थीटा को विदाउट थीटा क्या होगा, डी आर आर साइन थीटा इंटू डी फाई। सो विदाउट थीटा हमारा एरिया होगा। सो एरिया क्या हुआ, डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई, सो माइनस के डी टी बाई डी एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स मीन्स डेल्टा टी, कौन सी डायरेक्शन के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, थीटा डायरेक्शन के लिए। सो डेल्टा थीटा, टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या था, आर डेल्टा थीटा, सो आर डेल्टा थीटा। सो डेल्टा टी बाय आर डेल्टा थीटा। सो ए हमने पार्ट फाइंड किया, क्यू क्यूडेस का मीनिंग क्या है, क्यू इंटू डी टाउ, सो इंटू डी टाउ। सो इतनी हीट हमने इनपुट की, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसमें चेंज होगा। सो चेंज किस में होगा, जितनी हमने इनपुट की थी मीन्स क्यूडेस थीटा, जितनी हमने इनपुट की थी उसमें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होगा मीन्स डेल बाय डेल थीटा। सो टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या था, सो टोटल एलिमेंट क्या था, आर डेल्टा थीटा, सो डेल बाय आर डेल्टा थीटा। किस में चेंज होगा, जितनी हमने इनपुट की थी मीन्स क्यूडेस थीटा जितनी, सो क्यूडेस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मीन्स आर डी थीटा। सो इतनी हीट क्या होगी, आउट होगी। सो टोटल स्टोर कितनी होगी, एज इट इज क्यूडेस थीटा माइनस क्यूडेस थीटा प्लस डी थीटा। सो अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर दे और सिंप्लीफिकेशन कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, के डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा इंटू डी टाउ। सो ए हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो हमने फर्स्ट, बेसिकली फर्स्ट पार्ट में क्या किया, तीनों डायरेक्शन के लिए हमने कितनी हीट एक्यूमुलेटेड होगी वो फाइंड किया। सो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। सो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन इनटू द एलिमेंट इज इक्वल टू, तीनों में से कॉमन क्या आएगा, के डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ये तीनों इक्वेशन में क्या था, कॉमन था। सो इंटू ब्रेकेट वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाय डेल फाइव स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल्टा टी बाय डेल्टा थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल्टा टी बाय डेल्टा आर इंटू डी टाउ। सो ए हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट हमारा क्या था कि कितनी हीट जनरेट होगी। सो बी पार्ट हमारा क्या था, हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट। सो कितनी हीट जनरेट हो रही थी क्यू जी जितनी। सो सेकेंड पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यूडेस जी इज इक्वल टू कितनी हीट जनरेट हो रही थी क्यू जी जितनी, टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या था, डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ये हमारा क्या था, टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम था। सो क्यू जी तीनों डायरेक्शन कंसिडर करनी है, क्यूडेस क्या था, क्यू इंटू डी टाउ, सो क्यू इंटू डी टाउ। सो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, क्यू डैश जी इज इक्वल टू क्यू जी डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू डी टाउ।
थर्ड पार्ट क्या था कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मींस सी पार्ट क्या था, एनर्जी स्टोर इनटू द एलिमेंट। ए और ए प्लस बी कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे, थर्मल एनर्जी। सो थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे तो इसके लिए हमने कौन सा इक्वेशन यूज करना है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सो थर्ड पार्ट क्या था, एनर्जी स्टोर इनटू द एलिमेंट, और कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, थर्मल एनर्जी। सो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सो थर्ड सी पार्ट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सो हमारे पास एक इक्वेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और टोटल एलिमेंटल वॉल्यूम क्या था, डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। सो इन प्लेस ऑफ एम हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सो इन प्लेस ऑफ एम हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, रो डी आर आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। और सी मीन्स स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो एनर्जी इंक्रीज होगी, सो डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है मीन्स इनटू डी टाउ। सो सी पार्ट में हमने क्या किया, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना था, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव। सो उसकी वैल्यू हमने रख दी सी एज इट इज, डेल्टा टी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें चेंज होगा, सो डेल्टा टी बाय डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ। सो ए हो गया हमारा थर्ड पार्ट कि कितनी हीट कितनी एनर्जी क्या होगी स्टोर होगी। सो पुट दिस वैल्यू इन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सो उसमें हमने ए की वैल्यू रख दी। सिमिलरली प्लस बी मीन्स क्या था, क्यू जी डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव इंटू डी टाउ, और इज इक्वल टू सी क्या था, रो डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव इंटू सी डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ इंटू डी टाउ। सो डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव उतना क्या है, कॉमन है, सो तीनों में से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर हम उस इक्वेशन को के से डिवाइड कर देंगे, सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाइव स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल्टा टी बाई डेल्टा थीटा प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल्टा टी बाई डेल्टा आर प्लस क्यू जी बाई के, क्योंकि हमने पूरे इक्वेशन को के से डिवाइड किया है, इज इक्वल टू रोसी बाई के डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। सो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। सो दिस इज द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।